हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। पानीपत सिटी थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर एक रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ और मारपीट का मामला सामने आया है। 7 से 8 की संख्या में बदमाशों ने रेस्टोरेंट में न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि रेस्टोरेंट मालिक की भी जमकर धुनाई की। इस दौरान मारपीट और तोड़फोड़ की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। देखिए इस रिपोर्ट में। मारपीट और तोड़फोड़ की ये तस्वीर पानीपत के एक रेस्टोरेंट की है, जहां करीब 8 की संख्या में आए गुंडों ने एक रेस्टोरेंट में जमकर तबाही मचाई। पहले तो रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की और उसके बाद रेस्टोरेंट के मालिक को बाहर निकालकर उसकी इस कदर पिटाई की कि वो बेहोश ही हो गया। लगातार एक के बाद एक रेस्टोरेंट मालिक पर डंडे बरसाए जा रहे थे और वो असहाय जमीन पर गिरकर मिन्नतें करते नजर आया। जब इन गुंडों का मन भर गया तो वो बड़े ही आराम से मालिक को छोड़कर फरार हो गए। पीड़ित ने इन गुंडों पर पैसा लूटने और चैन छीनकर ले जाने का आरोप लगाया है। मैं कैफे बैठा था और 7-8 लोग आए, उन्हें रात पहले से फोड़े, फिर मेरे को मारना शुरू किया और गले में 23-24 हजार रुपए पड़े थे, वो भी ले गए और गले में चैन थी वो भी छीन के ले गए। और ये नहीं पता कहाँ गए थे कहाँ गए नहीं, सीधा आए और मार पिटाई करी। गंडा सीधी उनके हाथ में, एक ने राड मारी है और हाथ में गंडा सी मारी है। ना पहले किसी कोई वो नहीं था, पहले आए बाहर जो कैमरा लगा हुआ था, पहले कैमरे को तोड़ा उन्हें और फिर अंदर आए। इन गुंडों में कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपना फेस कवर कर रखा था और वहीं पुलिस ने सभी अपराधियों की पहचान करने का दावा किया है और साथ ही जल्द ही गिरफ्तार करने की बात कही है, लेकिन लूटपाट को सिरे से खारिज कर दिया है। इस संबंध में हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है मुदिया प्रदीप के बयानों पे और उसके बाद हमने वहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं तो उनके हमने जांच की है और उनको आइडेंटिफाई कर लिया है और जल्दी ही हमने टीम गठित की है उनको पकड़ करके अंदर दे। नहीं, किसी प्रकार की कोई लूटपाट नहीं हुई है और फिर भी हम विभिन्न पहलुओं पर गौर करके और एंगल के हिसाब से तफ्तीश करेंगे और जो भी होगा दूध का दूध पड़ेगा। एक और पीड़ित पैसे और चैन लूटने की बात कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर पुलिस लूटपाट की बात से इनकार कर रही है। अब कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है ये तो वही जाने, लेकिन जिस तरह से मारपीट की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है वो काफी भयावह है। अब देखना होगा कि इस मसले में क्या मोड़ निकल कर आता है और क्या पुलिस इस मामले की निष्पक्ष जाँच कर पाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। हरियाणा न्यूज के लिए पानीपत से जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।